ओम जय कुल देवता नमः। हे प्रभु, हे मेरे भगवान, मेरे कुल देवता। पूजा पाठ में कोई गलती हो तो क्षमा करना प्रभु। इधर देख के भाई। हाँ, आज पहले नवरात्रा है। भगवान सबको हार्दिक शुभकामनाएं, सुखी रहे, हर घर में सुख शांति हो। भगवान हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि दोस्तों। तो सुबह 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 का नाश्ता, बुजुर्ग और बच्चे बात नहीं लेते और लेना भी नहीं चाहिए, और जो बीमार है उसे भी नहीं लेना चाहिए। श्रद्धा से बस पूजा करो और खाओ, इस तरह से। हैप्पी नवरात्रि दोस्तों। तो पूजा पाठ हो गई है और अब मैं लगा रही हूँ बाबा जी का ब्रेकफास्ट, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो बच्चे हैं, जो बीमार हैं, उन्हें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है व्रत रखना। जो व्रत वाले हैं वो व्रत का खाना खाएंगे, जो नॉन व्रतीज हैं वो हैप्पी हैप्पी नवरात्रि। तो बस ये हो गया है मेरा नाश्ता, ज़्यादा स्पेशल कुछ नहीं बनाया है। फिलहाल हम खा रहे हैं दही पराठा। तो मिलते रहेंगे दोस्तों आज के दिन, तो बने रहिएगा और देखते रहिएगा हमारा ये ब्लॉग। मैं यहाँ दोस्तों खड़ी हूँ आम के पत्ते का इंतजाम करने हो रहा है। अरे तेरे जो पास में है इन्हीं को दे देना, खराब है, सारे खराब है। अच्छा अच्छे अच्छे पत्ते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे लेना। हाँ साफ साफ सुन, साफ साफ मान से अच्छे से तोड़ दे दे, साफ साफ। ये सामने हैं बड़े बड़े पत्ते। लाला देखिए डुगू खा देगा मुझे लगता है। थैंक यू, चले साफ साफ। बड़े अच्छे पत्ते हैं, हरे हरे। लो मम्मी, हाँ हाँ धो के देती हूँ। चलो ये मैंने डाल दिए गंगा जल। आज दोस्तों मैं व्रत के लिए बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। इसके लिए मैंने 1.5 कप साबूदाने को कम से कम 20 मिनट के लिए भिगा दिया, और उसके बाद अब देखिए स्ट्रेनर में मैं अच्छे से इसे वॉश कर रही हूँ। ऐसे करने से क्या होगा कि जो साबूदाने में एक्स्ट्रा स्टार्च होगा वो सब निकल जाएगा और हमारी जो खिचड़ी है वो बहुत खिली खिली बनेगी। अब मैंने 1.5 कप जो है वो साबूदाना लिया था, तो 1.25 कप पानी डाल के इसमें इसको अच्छे से मैं 3-4 घंटे के लिए भिगोने रख दूँगी। ये हो गई है रात और बाबा जी और मैं इस टाइम चल दिए हैं मंडी, क्योंकि हमें कुछ फ्रूट्स एंड सब्जी लानी है। बड़ा बैग कहाँ से मिलेगा? चलो अभी प्लास्टिक का थैली देने बैग वो लोग देते हैं। अब इतना सामान लाएंगे नहीं, चलो कल ज़्यादा लाएंगे। बात बस कल नहीं, कल तो अरे नहीं, कल बच्चे आ जाएंगे उनके साथ जाऊँगी। चलो अभी आप चलो, अभी कोई नहीं है। टमाटर तो हाँ यहाँ 20 रुपये, ये अच्छे, इसके टमाटर अच्छे हैं, डाल दो। बाबा जी आ रहे हैं धीरे धीरे दवाई वगैरह लेके।
बहुत देर लगा दी आपने। अब मैं फिर दो दोस्तों 3 से 4 घंटे हो गए हैं और जो पूरा पानी है इन साबुदाने ने सोख कर लिया और ये काफ़ी अच्छे हुए हैं, खिले खिले भी हैं और अच्छे से अंदर तक गल गए हैं। अब थोड़ी देर के लिए मैंने इनको स्ट्रेनर पे छोड़ दिया है जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च होगा इसका निकल जाएगा। साथ ही यहाँ पे मैं बना रही हूँ आंवले की चटनी और इसके लिए मैंने कच्चा आंवला लिया है और इसको सारा जो है इसको काट लिया, मैंने सीड्स भी इसमें काट लिए हैं और इसको अब मैंने बॉयल करने रख दिया। जब तक आंवला बॉयल होता है हम बना लेते हैं यहाँ पे साबुदाने की खिचड़ी। तो मैंने यहाँ पे घी लिया है, घी जब गल जाए तो इसमें डाला जीरा और साथ ही मैंने ये मूंगफली इसको मैं रोस्ट कर रही हूँ। कड़ी पत्ता डालना भूल गई थी दोस्तों तो बीच में मैंने कड़ी पत्ता भी डाल दिया। अब यहाँ पर डाले हैं कटे हुए बॉयल्ड आलू और इसको भी साथ में अच्छे से फ्राई कर लेंगे और जब ये दोनों चीज़ें फ्राई हो जाए तो इसमें डाला जो साबुदाने हमारे भीगे हुए हैं उन्हें और उन्हें डाल के थोड़ा थोड़ा करके पका लिया। अब साथ में मैं यहाँ डाल रही हूँ नींबू, सेंधा नमक और थोड़ा सा डालेंगे इसमें चीनी और ये सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। मिर्च मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हम मिर्च नहीं खाते, आप यहाँ पे मिर्च भी डाल सकते हैं और इसको ढक देंगे ट्रांसलूशन होने तक इसको पकाएंगे। अब ये देखिए दोस्तों मेरे आंवले भी बिल्कुल गल गए हैं, इस तरह से हाथ से दबा के देखेंगे जब गल जाए तो बस अब इनकी बनाएंगे चटनी। ये आंवला मेरा हो गया है और इसमें मैं डाल रही हूँ एक मिर्च मैंने इसमें डाल दी, कुछ पत्ते मैं डाल रही हूँ इसमें पुदीना के और ये मैं डाल रही हूँ धनिया और जो इस पानी में हमने इसको बॉईल किया था वो पानी इसमें डाल देंगे। साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ सेंधा नमक क्योंकि ये व्रत का बन रहा है तो इसलिए सेंधा नमक, और जो बिल्कुल सेंधा नमक भी नहीं खाते वो इसको स्किप करें, वो चीनी डाल सकते हैं। तो ये डाला मैंने नमक और साथ में मैं इसमें 2 चम्मच डालूंगी चीनी क्योंकि हमारे चीनी बहुत ज़्यादा खाते हैं तो इसमें 2 चम्मच डाली चीनी। अब इसको पीस लेते हैं और ये मेरी जो है वो आंवले की चटनी बन के हो जाएगी रेडी। ये दोस्तों बन के रेडी हो गई मेरी चटनी। तो देखिए दोस्तों ये मेरे साबुदाने की खिचड़ी भी बन के रेडी है और ये ट्रांसलूशन होने तक हम इसको पकाएंगे और एकदम खिली खिली सी बढ़िया साबुदाने की मेरी खिचड़ी डन। अब दोस्तों मैं बना रही हूँ दही वाले आलू, इसके लिए टमाटर, अदरक, धनिया और जीरा इसको डाल के अच्छे से मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे। तेल में डाला जीरा, तेजपत्ता, एक मिर्च और टमाटो के जो हमने प्यूरी बनाई थी उसको डाल दिया। साथ में डाल दी हल्दी, सेंधा नमक और धनिया पाउडर, इन सबको डाल के तेल छोड़ने तक पकाया। फिर इसमें डाल दिए बॉयल्ड आलू और इसको भी थोड़ी देर मिक्स करने के बाद इसको ढक के पकाएंगे। और देखिए जो मेरी दही है उसको मैंने हंकर नहीं बनाया है, थोड़ी देर स्ट्रेनर में रखा है जिससे कि उसका एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल गया और जब हमारा जो आलू है वो दही छोड़ दे, हमारा आलू जो है वो ऑयल छोड़ दे तो इसमें हम डालेंगे यहाँ पे वो जो चटनी हमने बनाई थी, वो इस चटनी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है आलू में। और उसके बाद जब ये थोड़ा सा पक जाए तो इसमें डाल देंगे जो दही है वो, और दही डाल के अच्छे से मिक्स करके इस पे रख देंगे लिड और इसको 5 से 10 मिनट तक पकने छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद जब हम लिड उठाएंगे दोस्तों तो देखिए कितना अच्छा इसका ऑयल रिलीज़ हो गया है। मैंने इसमें गरम मसाला भी डाला था और बस इसको थोड़ी देर अच्छे से पकाएंगे और इसमें डाल दिया मैंने धनिया। अब जैसे मुझे थोड़ा सा लिक्विड चाहिए, वैसे इतना गाढ़ा आप पराठे, पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं लेकिन मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, 5 से 10 मिनट और पकाया और देखिए ये हो गई मेरी आलू की दही वाले आलू रेडी। अब ये मेरी लग गई है थाली दोस्तों, ये देखिए ये है साबुदाने की खिचड़ी। तो दोस्तों और मैं खाने बैठ गई हूँ अपनी व्रत की थाली और साथ ही मम्मी और मैं देखेंगे अब बिग बॉस क्योंकि आज से शुरू हो रहा है बिग बॉस। तो इसके साथ ही मैं करती हूँ उस ब्लॉग की एंडिंग। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे फिर अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।